नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने के बाद से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही है। अमेरिका के बाद अब जर्मनी ने भी इसे पूरे मामले पर नजर बनाए रखने की बात कही है। राहुल को संसद से बर्खास्त किए जाने पर जर्मनी ने चिंता जाहिर की है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी के मामले की जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि कोर्ट उनकी सदस्यता जाने के मामले की सुनवाई मौलिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर करेगी। जर्मनी के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता के बयान को वहां के सरकारी टीवी चैनल डायचे वेले पर दिखाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अभी ऐसी परिस्थिति में है कि वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद ही ये पता चल सकेगा कि उनको जिस आधार पर बर्खास्त किया गया है वो ठीक है या गलत। राहुल गांधी के संसद से बर्खास्त किए जाने पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा और कांग्रेस आपस में भिड़ गए हैं। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मनी को धन्यवाद दिया, तो इस पलटवार करते हुए डीजीजू ने ट्वीट किया, थैंक यू राहुल गांधी, आपकी वजह से विदेशी ताकतें भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं। रिजिजू ने आगे लिखा, याद रखें कि भारतीय न्यायालय को किसी तरह से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। भारत विदेशी दखल अंदाजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।